हेलो एवरीवन, सो कैसे हो आप सभी? ऐसा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं मेकअप लुक लेके आई हूँ, तो पहले कर लेना है टोनिंग अपने चेहरे पर। टोनर लगाया है मैंने और इसमें मैं बहुत कुछ बताने वाली हूँ, कैसे कैसे क्या क्या यूज करना है। यदि मॉइस्चराइजर नहीं है तो क्या यूज करें, फाउंडेशन नहीं है तो क्या यूज करें, तो प्रॉपर मेकअप के लिए मैं आइडियाज़ देने वाली हूँ आप लोगों के लिए। सो मेरे पास हैं अब दो ऑप्शन, मॉइस्चराइजर के बाद में लगाना है प्राइमर या फिर एलोवेरा जेल ले सकते हैं उसकी जगह पर, ठीक है। तो आज मैं प्राइमर ना लगाकर एलोवेरा जेल लगाऊंगी, जो कि स्किन में इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी होने नहीं देगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लगाना, क्योंकि कोई कोई जो प्रोडक्ट है वो रिएक्शन वगैरह कर जाता है, तो इसीलिए। सो ये ले लिया मैंने एलोवेरा जेल और इसको लेकर अच्छे से डैप डैप कर लेना है, मतलब लगा लेना है, और टोनर को 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना है स्किन में ऑब्जर्व होने के लिए। और क्लीनिंग पहले ही कर लेनी है, चेहरे को क्लीन कर लेना है, मतलब या तो मुंह धो लीजिए या फिर क्लीनिंग कर लीजिए, ओके। सो आज मैं घर से ही लगा के आई थी, ये लिपस्टिक मैंने हटाया नहीं है तो इस पे ही मैं कर रही हूँ। तो ये मेरे पास में जॉय की फ्रूट क्रीम और या फिर ये है फेस सीरम, तो फेस सीरम, फेस ऑयल या फिर फेस सीरम ही लीजिए, और क्या बोलते हैं, या फिर मॉइस्चराइज़र, कोई सा मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं। तो विंटर चल रहा है, विंटर में मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना चेहरा फटाफटा सा और मेकअप वाइट वाइट सा बेकार दिखेगा, ठीक है। इसके बाद में इसे लगा लेना है, और लगाने के बाद में यहाँ पे मेरे पास कई ऑप्शन हैं। ये है मेबेलिन का, मेबेलिन फिटमी का फाउंडेशन, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है, मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं है बट मेरे हिसाब से महंगा है। और ये मेरे पास दो फाउंडेशन, ये है एक बीबी क्रीम रोज की, और दो बीबी क्रीम है क्या बोलते हैं फॉन्स और फैन लवली। फैन लवली फॉन्स का मैं पहले भी यूज कर शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। सो बैकग्राउंड की आवाज़ को कर दिएगा इग्नोर, क्योंकि मैं दुकान पे हूँ। और आज एक और बात बताने वाली हूँ कि फेस पे मेकअप काला क्यों पड़ता है, क्योंकि कलर करेक्टर नहीं करेंगे तो मेकअप काला ही पड़ना है, ठीक है। तो मैं एक साइड तो करेक्टर करूँगी, एक साइड नहीं करूँगी, तो मेरे पास ऑरेंज है नहीं, पिंक है, तो चलो इस पिंक को ही मैंने करेक्टर कर लिया है अपने चेहरे पर। तो मैंने आईज पे जहाँ पे डार्कनेस थी वहाँ पे लगा लिया है, और इधर मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, तो यहाँ पे मैं विदाउट कलर करेक्टर के करूँगी, और इधर मैंने कलर करेक्टर लगा लिया। तो डिफरेंशन आप खुद देखना, डिफरेंस आप खुद देखना कि कितना कितना है इनमें, ठीक है। तो मैंने पहले स्किन केयर तो कर ही लिया है दोनों साइड, और इसके बाद में मुझे लगाना है ये फाउंडेशन। फाउंडेशन लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, और ब्लेंड करने के बाद में हम करेंगे आई मेकअप। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग करें तो आई मेकअप पहले करिएगा और ये फेस मेकअप बाद में करिएगा, क्योंकि हाँ इनकी इसकी कवरेज अच्छी नहीं है फाउंडेशन की, इसीलिए मैं थोड़ा सा, ये बीबी क्रीम है जिसकी बहुत ज़्यादा कवरेज है, तो इसको मैं इसमें थोड़ा सा मिलाकर ही लगाते हैं। तो मैंने मिला लिया है और इस पर थोड़ा सा सेट करने के लिए डाल लिया है टोनर। टोनर सेटिंग स्प्रे कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो हाँ, क्या बोल रही थी, आई मेकअप पहले ही करिएगा, क्योंकि फिर इधर उधर से पोंछना होता है, इधर उधर प्रोडक्ट फैल जाता है चेहरे पर, आईज के नीचे, आउट कॉर्नर पर, इनर कॉर्नर पर, इसीलिए पहले करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्लीन करके फिर कर सकते हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा पहले समझती हूँ क्या बोलते हैं ब्लश, और थोड़ा सा मैंने लिक्विड हाईलाइटर लगाया है, तो मैं सुना पहले लगाना ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि बाद में अच्छे से सेट हो जाएंगे। और इधर कॉन्टोरिंग, तो मेरे चेहरे पर वैसे भी कॉन्टोरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चौकर टाइप का है, तो इधर मैंने कॉन्टोर कर लिया है। और इसके बाद में मैं पाउडर से सेट करूँगी अच्छे से। पाउडर से सेट करने के बाद में तो आप लोग अभी तो देखो सेम दिख रहा है, कैमरे में दिख रहा है, कुछ डिफरेंस तो अभी भी है, बट बाद में ये इधर वाला है जो काला पड़ जाने वाला है, क्योंकि इधर हमने करेक्टर नहीं किया है, और करेक्टर कर लेंगे तो काला नहीं पड़ेगा। तो मेन बात यह है कि हल्का सा करेक्टर कीजिए, देखो जिसका डार्क स्किन है वो कीजिए ग्रीन कलर करेक्टर से, हल्का ग्रीन से, और जिनकी फेयर है वो कीजिए ऑरेंज से, पिंक भी चलेगा कोई बात नहीं मीडियम के लिए। सो हाँ, ये बात हो गई। इसके बाद में चलो आई मेकअप करते हैं, और आई मेकअप में मैं बहुत ज़्यादा सिंपल मेकअप करने वाली हूँ, और ज़्यादा टफ होता है जो आई मेकअप ही होता है बिगनर्स के लिए, बट मैं थोड़ा सा पार्लर में काम कर रही हूँ और मैं थोड़ा सा कर रही हूँ प्रैक्टिस, तो मुझे थोड़ा ठीक ठाक आ गया है मेकअप।
तो यहाँ पे मैंने हल्का सा पिंक वाला सेड उठाया है क्योंकि इसे ना थोड़ा सा कवरेज अच्छा आ जाएगा। इसके बाद में डार्क पिंक उठाया है, डार्क पिंक या ऑरेंज जैसा है कुछ, मतलब पिंक ही है। फिर इसके बाद में मैंने लिया येलो, तो तीनों सेड मैंने लगा लिए। देखो ऐसा भी बहुत अच्छा लग रहा है, रियल में बहुत अच्छा लग रहा है, कैमरे में इतने अच्छे से नहीं दिखेगा क्योंकि कैमरे में बहुत ज़्यादा करेंगे तभी दिखेगा, और क्योंकि इतना अच्छा कैमरा है नहीं मेरे पास में, लेकिन ठीक ठाक है जो भी है। और इसके बाद में ले लिया मैंने रेड, और रेड लेकर मैंने लगा लिया अपनी आईज पर, क्योंकि बाद में फुल मेकअप के बाद में ये थोड़ा सा दब जाने वाला है, मतलब इतना दिख रहा है खुल के इतना ज़्यादा दिखेगा नहीं, और नाइट मेकअप में तो इतना दिखना भी ज़रूरी चाहिए क्योंकि फुल मेकअप करेंगे आईज पर तब ये इतना दिखाई नहीं देगा। और इसके बाद में मुझे ना मतलब येलो लगा लिया, गोल्डन टच देना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। गोल्डन मैं हर एक मेकअप पे देती हूँ, हर एक, चाहे मैं कोई सा भी करूँ, हल्का सा उंगली से लेके लगाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं गोल्डन टच देती हूँ हल्का सा आईज पर। और इधर से ना मतलब मेरी जो कट क्रीज है वो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और हल्का सा ऑरेंज शेड लगा लूँगी, शेड नहीं सीड लगा लूँगी, और इससे कि थोड़ा सा अच्छा लुक आ जाएगा। इसके बाद मैंने उठाया हाइलाइटर, और ये मैं अक्सर ही करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये भी, आईब्रोज के नीचे जो कि एकदम खुला खुला और एकदम क्लियर दिखेगा। तो मैंने वाइट वो लिया है, क्या बोलते हैं, हाइलाइटर, सॉरी भूल भी जाते हैं, हाइलाइटर लिया और इसे लगा लिया इनर कॉर्नर पे और आईब्रोज के नीचे। इसके बाद में मुझे आईब्रो करनी है, और इसके बाद में आईज का फुल लुक आएगा, और इसके बाद में लगाना है वही आईलाइनर और क्या बोलते हैं मस्कारा। तो आईज को अच्छे से क्लीन कर लेना है, और क्लीन करने के बाद में आईलाइनर और मस्कारा लगा देना है, और आप लोग खुद देख सकते हैं कि ये मेकअप कितना प्यारा लगने वाला है ये आईज का, जो कि एकदम सिंपल सा है। आप लोग कोई सा ड्रेस के हिसाब से किया जाता है देखो मेकअप, लेकिन मैंने ऐसे ही आप लोगों को सिखाने की वजह से किया। और इसके बाद में काजल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझती हूँ मैं, मुझे लगाने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि उससे आईज अच्छी लगती है, तो आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद में दोनों साइड को देख सकते हैं, हल्का सा फ़र्क नज़र आएगा आपको, इधर करेक्टर लगाया उधर और इधर। ये ब्रश आया था ब्लश के साथ, तो मैं सोच रही थी लगा कर देखूँ लगता है या नहीं, कुछ भी नहीं लगता, एकदम बेकार है, ऐसे ही दे देते हैं। और ये मैंने फाइनल मेकअप हो गया, और इसके बाद में मैंने लगाया है क्या बोलते हैं पाउडर हाइलाइटर, और हाइलाइटर लगाना तो कितना ज़रूरी आप लोगों को पता है, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे भी, और हर लड़की को ही पसंद होता है ये हाइलाइटर, जैसे कि ग्लोई स्किन दिखती है, ग्लोई चेहरा दिखता है, मेकअप अच्छा दिखता है और शाइनिंग दिखता है, शाइन मारती है इसे। इसके बाद में मुझे लगा लेना है लिपस्टिक, तो मैंने रेड लगा रखा है, इस पर मैं हल्का सा मरूम शेड लूँगी, और मरूम कुछ इन दिनों कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहा है क्योंकि ज़्यादा ही ट्रेंडिंग में चल रहा है ना बहुत ज़्यादा, ये मरूम है बट दिख रेड रहा है, हल्का मरूम है, इतना ज़्यादा डार्क नहीं है। इसके बाद में बिंदी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोगों को पता है क्योंकि इंडियन लुक है तो बिंदी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये लगाई मैंने दूसरी वाली, आप लोग बताना कौन सी अच्छी लग रही है, मुझे तो दोनों ही अच्छी लग रही हैं, ये अंडाकार बिंदी और एक है गोल वाली, तो फिर से अंडाकार या लंबी बिंदियाँ लगाने लगे, और मेरा तो वैसे भी बड़ा फोरहेड है तो इस पर लंबी अच्छी लगती है। इसके बाद में आप लोग थोड़ा सा नोटिस कीजिए मेकअप आपको कैसा लग रहा है। देखो ज़्यादा महंगा कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है, ज़्यादा कुछ यूज नहीं किया है, बस जो था वो ही हल्का फुल्का, और इस पर साड़ी लहंगा या फिर कुछ भी और अच्छे से स्टाइल हेयर स्टाइल बना लीजिए, बहुत प्यारा दिखने वाला है पार्टी में ये मेकअप। और इसके बाद में मैं क्या बोलते हैं हेयर स्टाइल कर लूँगी, उससे पहले मैं अपने बालों को कर्ल कर लूँगी। देखो मैं सब कुछ कर लेती हूँ लेकिन कर्ल करने में ना मेरे थोड़ा सा हाथ तंग है, तो चलो पहले ये कर्ली कर लेते हैं। और इससे मुझे इस स्ट्रेटनर से बहुत डर लगता है क्योंकि अक्सर तब भी मैं हेयर स्ट्रेट करती हूँ या फिर कर्ल करती हूँ, 2-in-1 है ये, मैंने ऑनलाइन मंगाया था, वैसे ठीक है काम करता है, करना आना चाहिए, खुद को यूज करना आना चाहिए इस काम, प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन एक इसमें कमी जो कि बाल अटकते हैं। और देखो मैंने कर लिया, और इसके बाद में मेरी ये खुल रही थी क्या बोलते हैं कल, क्योंकि कल वगैरह इतने अच्छे से अपना नहीं कर पाते, किसी और का कर देती हूँ मैं, लेकिन कल है जो कि मैंने हेयर स्प्रे भी डाला लेकिन अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ मैंने इसके बाद में मैंने कल कर लिया था, हो गया था, इसे मैं अभी तो ऐसे ही जूड़े में ही लगा लूँगी। चलो जैसा भी हो मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे तो सिर्फ आप लोगों को सिखाना था, बताना था कुछ, और ये हेयर स्टाइल मैंने बनाया है।
जो कि पीछे बन बना लिया और आगे कल कर लिया है। देखो इतना हो गया है, लेकिन ज़्यादा मुझे और करना भी नहीं, और ज़्यादा मेरे पास लाइट वगैरह कुछ बैकग्राउंड की व्यवस्था नहीं है, वरना मेरे को काफ़ी अच्छा हुआ था रियली में। तो चलो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय।